हेलो ऑल माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। अपना चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ऑलरेडी हमने फर्स्ट पार्ट में आपको एक्टिविटी 2 करा चुका है और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम मैंने आपको 1 करा दिया है। आज के पार्ट में हम एक्टिविटी 3 करेंगे और इसके जो नेक्स्ट पार्ट में हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सेकेंड करेंगे। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, फिल द फॉलोइंग टेबल। क्लियर, हमें फिल द करना है फॉलोइंग टेबल। आपको पेज नंबर 30 पे दिया गया है बुक्स में, और आपको बेटा फॉर्मेट बनाने आना ही चाहिए। यहाँ पर आपको पता रहेगा ऊपर क्या लिखते हैं, एनालाइज ऑफ ट्रांजेक्शन बाई रूल अप्लाइंग एंड बाई डेबिट एंड क्रेडिट। कौन सा मेथड है, मॉडर्न मेथड है। अगर ट्रेडिशनल मेथड रहेगा तो ट्रेडिशनल मेथड लिखेंगे। सीरियल नंबर ट्रांजेक्शन, जो अपना जो ट्रेडिशनल मेथड में था वही मॉडर्न मेथड में। टू एक्सपेक्ट लिखो या तो इफेक्ट बोलो, एक ही बात है। अकाउंट्स इन्वॉल्व, कौन से अकाउंट हो गए। कैटेगरी रूल अप्लाइंग, अकाउंट डेबिटेड एंड अकाउंट क्रेडिटेड। तुम बोलो कि सर व्हाट इज़ अ डिफरेंट बिटवीन ट्रेडिशनल मेथड एंड मॉडर्न मेथड। देखो यहाँ पर जो है ना, अकाउंट इन्वॉल्व वहाँ पर क्या लिखते थे, पर्सनल रियल नॉमिनल। किस में लिखते थे हम, ट्रेडिशनल मेथड में। पर अपना कौन सा है, मॉडर्न मेथड। तो यहाँ पर अपना देखो, मैंने आपको गोल्डन रूल बताया था, आपको मैं गोल्डन रूल का भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। वहाँ पर मैंने बताया था कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट साइड, ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। क्लियर है, वही सारा यहाँ पर क्या जाएगा, रूल आपको अप्लाई होगा। असेट्स है, लाइबिलिटी है, क्लियर है, कैपिटल है, ड्रॉइंग है, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। इनकम है या एक्सपेंस है, वही हमें क्या करना है, फाइंड करना है। वेरी फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या बोल रहे हैं, राजेश कमेंस। कमेंस का मतलब क्या होता है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश रुपीज 80,000। मतलब राजेश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो कितना पैसा लेके आया, 80,000 आया। टू अकाउंटिंग इन्वॉल्व, वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, कैश कम्स इन बिजनेस। कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट कर रहे हो तो बिजनेस में क्या लाना पड़ेगा, पैसा। तो आपके पास बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा ना। कोई भी बिजनेस में स्टार्ट करो तो बिजनेस में क्या आएगा, पैसा आएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, कैश कम्स इन बिजनेस। क्लियर, कैश क्या हो जाएगा, कम्स इन बिजनेस। क्लियर, बिजनेस में क्या आ रहा है, पैसा आ रहा है। क्लियर, कैश कम्स इन बिजनेस। अभी देखो पैसा कौन ला रहा है, प्रोपराइटर ला रहा है या तो राजेश ला रहा है। क्लियर, अगर आप प्रोपराइटर लिखो तो भी चलेगा या तो राजेश लिखो तो भी चलेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रोपराइटर। क्लियर है, प्रोपराइटर क्या लिखेंगे, गिवन द कैपिटल। क्लियर है, गिवन द कैपिटल। प्रोपराइटर जो पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल बोलते हैं। प्रोपराइटर गिवन द कैपिटल। क्लियर है, तो अभी देखो कैश कम्स इन बिजनेस। तो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व में पहला कौन सा अकाउंट आया, कैश अकाउंट आया। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ वेरी फर्स्ट कौन सा अकाउंट आएगा, कैश अकाउंट आया। और सेकेंड कौन सा अकाउंट आया अपना, कैपिटल अकाउंट। क्यों, क्योंकि पहला देखो ना कैश आया और दूसरा क्या है यहाँ पर, कैपिटल। अभी कैश क्या होता है, देखो यहाँ पर आपको सभी को पता है कैश कौन से अकाउंट में आएगा, रियल अकाउंट में आएगा। क्लियर है, पर यहाँ पर वो अकाउंट रूल नहीं चलेगा। कैश आपके पास पैसा पड़ा है, आपका क्या हुआ, असेट्स। तो कैश यहाँ पर कौन से अकाउंट में आ जाएगा, असेट्स। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, असेट्स लिखूँ। क्लियर है, और कैपिटल देखो मैंने बताया था ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो यहाँ पर कैपिटल ही एक अकाउंट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डायरेक्टली आप कैपिटल ही लिखो। क्लियर है, अभी रूल अप्लाई, रूल कौन सा होगा, देखो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड। तो असेट डेबिट में अगर डेबिट डेबिट क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होता है ना। देखो आपको सभी को पता है ये DR मतलब डेबिट साइड, डेबिट में यहाँ पर 100 रुपया है, आप उसमें और 100 करोगे तो कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। मतलब डेबिट डेबिट क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्लियर है, अगर डेबिट का चीज़ हम क्रेडिट में लिखते तो क्या होता है, डिक्रीज। मतलब असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड, तो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज, ऑफकोर्स डेबिट में। तो देखो ना ये डेबिट, फर्स्ट हम क्या लिखते हैं डेबिट, उसके बाद क्या लिखते हैं क्रेडिट। तो असेट डेबिट में तो हम क्या लिख रहे हैं, उसको डेबिट साइड में लिख रहे हैं, तो इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या लिखूँ, इंक्रीज इन असेट्स। क्लियर, इंक्रीजिंग असेट्स, असेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड क्या बोल रहे हैं, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट साइड। आपको पता है कैपिटल क्या होता है अपने लिए, लाइबिलिटी, और कैपिटल ही एक अकाउंट है। ड्रॉइंग ऑलवेज डेबिट साइड, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट। तो मैंने बताया था क्रेडिट, क्रेडिट क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। तो यहाँ पर 200 आ जाएगा, तो इंक्रीज इन क्या हो जाएगा यहाँ पर, कैपिटल। तो यहाँ पर लिखूँ इंक्रीज इन कैपिटल। क्लियर, इंक्रीज क्या हो जा रहा है, कैपिटल हो जा रहा है। अभी देखो यहाँ पर अकाउंट डेबिटेड कौन सा अकाउंट आया, यहाँ पर वेरी फर्स्ट लिख दूँ मैं असेट्स अकाउंट। क्लियर है, असेट्स अकाउंट, और क्रेडिट में क्या करूँ डैश, और यहाँ पर किसका अकाउंट आया, कैपिटल। तो यहाँ पर मैं सेकंड नंबर क्या लिख दूँ, मैं यहाँ पर कैपिटल लिख दूँ। क्लियर है, कैपिटल अकाउंट लिख दूँ। आपको मैंने बता दिया
असेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो इंक्रीजिंग असेट्स, और कैपिटल भी कहाँ होता है, क्रेडिट साइड, तो इंक्रीजिंग क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। असेट्स कहाँ पर है, डेबिट में, तो पहले हम डेबिट लिखते तो असेट्स अकाउंट, क्रेडिट में डैश, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट आ जाएगा। यहाँ पर नंबर नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। सेकेंड एंट्री क्या बोल रहे बेटा, पे टेलीफोन बिल ऑफिस ₹5,000। अगर ये टेलीफोन बिल अपने ऑफिस का ना होता तो किस में आता, पर्सनल यूज। पर्सनल यूज मतलब क्या हो जाता, ड्राइंग हो जाता। टेलीफोन बिल पेड वो ऑफिस 5,000, मतलब टेलीफोन बिल का पैसा पे कर रहे, तो पैसा अपने पास आ रहा है कि जा रहा है, तो कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, वो क्या होगा, क्रेडिट में। पर डेबिट में क्या होगा, टेलीफोन बिल अपने लिए इनकम हो गया, एक्सपेंस, ऑफकोर्स अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या लिखूँ, टेलीफोन बिल अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया, क्लियर है। टेलीफोन बिल इज एन एक्सपेंस, क्लियर, इज एन एक्सपेंस, अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हुआ। तो यहाँ पर टेलीफोन बिल अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और सेकंड चीज, टेलीफोन बिल एक्सपेंस हुआ और पे कर रहे, तो पैसा आ रहा है कि जा रहा है, ऑफकोर्स जा रहा है, तो क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, कैश क्या लिखूँ, गोज आउट लिखूँ, क्लियर है, गोज आउट लिखूँ, क्लियर है। पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, तो कैश क्या हो रहा है, गोज आउट। अभी यहाँ पर कौन सा अकाउंट आया, पहला आ गया टेलीफोन बिल अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ टेलीफोन बिल अकाउंट, क्लियर है, टेलीफोन बिल अकाउंट, क्लियर है, टेलीफोन बिल अकाउंट। आपको अकाउंट्स यहाँ पर लिखना पड़ेगा, यहाँ पर भी अकाउंट्स आ जाएगा, क्लियर है, टेलीफोन बिल अकाउंट। और सेकंड कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट, क्योंकि पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है। अभी देखो टेलीफोन बिल कहाँ पर है, अपने लिए एक्सपेंस, तो मैंने बताया था यहाँ पर अपने लिए कौन सा अकाउंट आ जाएगा, एक्सपेंस, तो यहाँ पर आ गया एक्सपेंस, क्लियर है, यहाँ पर आ गया एक्सपेंस अकाउंट। आप यहाँ पर भी अकाउंट लिख दोगे तो अच्छा रहेगा, क्लियर है, टेलीफोन बिल एक्सपेंस अकाउंट आ गया। और सेकंड देखो कैश कौन से अकाउंट में आता है, असेट्स, अभी देखा ना कैश अपने लिए क्या हुआ, असेट्स, तो यहाँ पर क्या लिखूँ, असेट्स अकाउंट लिखूँ, क्लियर है, असेट्स अकाउंट। यहाँ पर क्या आ गया, एक्सपेंस अकाउंट आ गया, और यहाँ पर क्या आ गया, असेट्स अकाउंट आ गया, कैटेगरी में लिख दिया। अभी देखो रूल अप्लाई, अभी देखो पे कर रहे तो एक्सपेंस बढ़ेगा कि कम होगा, ऑफकोर्स अगर पे कर रहे तो एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंस, तो डेबिट डेबिट क्या होगा, इंक्रीज। देखो पर असेट्स ऑलवेज क्या होता है, डेबिट, यहाँ पर कहाँ पर है, क्रेडिट, तो क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, इंक्रीज क्या होगा मेरे लिए, असेट्स हो जाएगा, इंक्रीज इन, सॉरी, इंक्रीज क्या हो जाएगा, एक्सपेंस, इंक्रीज इन एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। और सेकेंड देखो असेट्स अगर डेबिट में रहता है तो असेट डेबिट डेबिट क्या होता है, ऐड होता है, पर डेबिट है, पर यहाँ पर कहा गया क्रेडिट में, मतलब असेट्स अकाउंट क्या रहता है, डेबिट में, ये कहाँ पर है, क्रेडिट में, तो क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, तो डिक्रीज, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, डिक्रीज इन असेट्स, क्लियर, डिक्रीज क्या हो गया, असेट्स हो गया। अभी आप सभी को पता है असेट्स ऑलवेज डेबिट, डेबिट डेबिट क्या होगा, इंक्रीज होगा, पर डेबिट की चीज़ें मैंने कहाँ लिख दी, क्रेडिट में लिख दी, क्लियर है, पैसा जा रहा है तो असेट्स बढ़ेगा, कम होगा, ऑफकोर्स अपने पास पैसा क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट अकाउंट कौन सा आ जाएगा, टेलीफोन बिल, तो यहाँ पर मैं लिखूँ टेलीफोन, टेलीफोन बिल अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, अपना क्रेडिट में क्या करूँ, डैश। और सेकेंड यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ मैं, कैश अकाउंट लिख दूँ, क्लियर है। आई होप आप समझ गए रहे कि मैंने कैसे क्या किया। थर्ड एंट्री क्या बोल रहे, गुड्स परचेस फॉर कैश ₹8,000, मतलब हमने गुड्स परचेस किया, तो परचेस किया तो अपने लिए इनकम हो गया, एक्सपेंस, ऑफकोर्स अपने लिए क्या हो गया, एक्सपेंस हो गया। तो वेरी फर्स्ट क्या लिखूँ, परचेस इज एन एक्सपेंस, क्लियर है, परचेस इज एन एक्सपेंस, क्लियर है, परचेस किया तो अपने लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ। और सेकंड चीज, परचेस कर रहे हो तो कैश क्या हो रहा है, आ रहा है कि जा रहा है, सेम ऐसे यहाँ पर क्या होगा, कैश क्या होगा, गोज आउट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, कैश के मैं क्या लिखूँ, गोज आउट, पैसा क्या हो रहा है, जा रहा है, परचेस किया हो रहा है कोई भी चीज़। आप एग्जांपल फ़ोन भी परचेस करो तो आपके लिए क्या हुआ, इनकम होगा, एक्सपेंस, एक्सपेंस हुआ। और पैसा आएगा कि जाएगा, ऑफकोर्स कैश क्या होगा, गोज आउट होगा, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर परचेस किया तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा परचेज अकाउंट आ जाएगा। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया, अपना कैश अकाउंट आ गया, क्लियर है, यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया, कैश अकाउंट आ गया। अभी परचेज इज एन एक्सपेंस, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, एक्सपेंस अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ एक्सपेंस अकाउंट लिख दूँ, क्लियर है। और यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया अपने लिए, कैश कौन से अकाउंट में आता है, असेट्स, तो यहाँ पर क्या लिख दूँ, असेट्स अकाउंट में क्या करूँ, लिख दूँ। अभी देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, सेम ही आएगा, असेट्स क्या हो रहा है, अपना एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या लिखूँ, इंक्रीज इन एक्सपेंस, क्योंकि देखो ना परचेस करोगे तो खर्चा बढ़ेगा कि कम होगा, ऑफकोर्स खर्चा क्या होगा, आपका बढ़ जाएगा, तो क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ इंक्रीज इन एन एक्सपेंस, ऊपर वाला ही सेम ही क्या करना है मेरे को, कॉपी करना है, इंक्रीज इन एन एक्सपेंस, क्लियर, एक्सपेंस क्या होगा मेरा, बढ़ेगा। और सेकेंड चीज़,
सेकेंड क्या होगा, मेरा असेट्स क्या हो रहा है, कम हो रहा है क्योंकि पैसा जाएगा, तो क्या लिखूं यहाँ पर मैं, डिक्रीज इन असेट्स, क्लियर। असेट्स क्या होगा मेरा, डिक्रीज हो जाएगा, क्यों, पैसा जाएगा तो असेट्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर वेरी फास्ट कौन सा अकाउंट आ जाएगा, परचेज अकाउंट आ जाएगा, क्लियर, क्योंकि परचेज अकाउंट आएगा डेबिट में। क्रेडिट में किसका अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट था, तो यहाँ पर किसका अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। आई होप आपने अगर पहले अगर मेरा जो ट्रेडिशनल मेथड वाला अच्छे से किया रहेगा तो ये आपके लिए बाय हाथ का ही खेल है। एंट्री नंबर 4 क्या बोल रहे हैं, सोल्ड गुड्स मनोज वर्थ रुपीज़ कितना है, 6000। हमने मनोज को कितने का गुड्स बेचा, 6000 का गुड्स बेचा। एक बात बताओ, गुड्स बेचा तो पैसा मिला नहीं मिला, अगर किसी भी इंसान का यहाँ पर मनोज का नाम आया मतलब पैसा मिला रहेगा नहीं मिला रहेगा। तो मनोज को क्या किया हमने, गुड्स बेचा, तो गुड्स किसके पास गया रहेगा, मनोज के पास। तो मनोज ने गुड्स क्या किया रहेगा, रिसीव किया रहेगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या रहेगा, मनोज इज अ रिसीवर, क्या रहेगा, मनोज इज अ रिसीवर, क्लियर, इज अ रिसीवर, इज अ रिसीवर। मनोज ने गुड्स क्या किया रहेगा, रिसीव किया रहेगा, तो मनोज इज अ रिसीवर। और देखो अपने पास से आम क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, सेल करोगे तो अपने लिए इनकम होगा कि एक्सपेंस होगा, ऑफकोर्स परचेस कर रहे थे तो एक्सपेंस, सेल करेंगे तो हमें क्या होगा, इनकम। तो यहाँ पर सेकंड क्या आ जाएगा, सेल्स इज एन इनकम, क्लियर है, इज एन क्या रहेगा, इनकम रहेगा, क्लियर है। सेल्स इज एन क्या, यहाँ पर क्या था, परचेज इज एन इनकम, तो यहाँ पर क्या आएगा, परचेज इज एन एक्सपेंस था, तो यहाँ पर सेल्स इज एन क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, क्लियर है। परचेज करेंगे तो एक्सपेंस होगा, सेल करेंगे तो क्या होगा, इनकम होगा, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आया, यहाँ पर किसी इंसान का नाम है, तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, मनोज अकाउंट, क्लियर है, यहाँ पर आ जाएगा मनोज अकाउंट। और सेकंड यहाँ पर क्या है, सेल्स, तो यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ जाएगा, सेल्स अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। अभी देखो तुम बोलोगे सर मनोज तो पर्सनल अकाउंट में आता है, नहीं, पर यहाँ पर देखो मनोज के पास से सेल किया तो हमें उसके पास से पैसा क्या करना है, रिसीव करना है। किसी भी इंसान के पास से आपको पैसा रिसीव करना है, उसको उसको क्या बोलते हैं, हम डेटर बोलते हैं, मीनिंग एंड डेफिनेशन में पढ़ा था। हमने सेल किया तो मनोज ने क्या किया रहेगा, परचेस किया रहेगा, तो मनोज क्या करेगा, पैसा पे करेगा। तो मनोज क्या हुआ अपने लिए, डेटर हुआ। और डेटर कौन से अकाउंट में आते हैं, असेट्स अकाउंट। तो यहाँ पर क्या लिखूँ मैं, असेट्स अकाउंट, क्लियर है, यहाँ पर मैं लिखूँ असेट्स अकाउंट। और सेकंड सेल्स किया तो सेल्स कौन से अकाउंट में आ जाएगा, इनकम, तो यहाँ पर मैं लिखूँ इनकम अकाउंट, क्लियर है, क्योंकि असेट्स क्या हुआ, बढ़ेगा तो मेरा असेट्स क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो और इनकम भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या आ जाएगा, इंक्रीज इन इंक्रीज क्या होगा, इंक्रीज असेट्स, क्लियर, असेट्स क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा असेट्स। और सेकेंड यहाँ पर क्या हो जाए, इंक्रीज मेरा असेट्स, क्योंकि असेट देखो ना डेबिट में था, इंक्रीज इन असेट्स होगा, अगर क्रेडिट में रहता तो क्या होगा, डिक्रीज होगा, अभी डेबिट में है तो क्या होगा, इंक्रीज हो रहा है। अभी देखो सेल्स, तो मेरा इंक्रीज क्या होगा, इनकम भी, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट था, इनकम ऑलवेज क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट में क्या होगा, इनकम, तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्लियर है, इंक्रीज इज एन असेट्स, इंक्रीज इज एन इनकम, क्लियर है, इनकम क्या होगा मेरा, इंक्रीज होगा। अभी देखो यहाँ पर असेट्स, तो असेट्स अकाउंट आ जाएगा कि मनोज अकाउंट आएगा, मनोज अकाउंट, क्यों, क्योंकि कैटेगरी अपना जो अकाउंट इन्वॉल्व है वो यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट में किसका नाम लिखूँ, मनोज क्या हो जाएगा, डेबिट होगा, क्लियर है। और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, सेल्स का नाम आ जाएगा, क्लियर है। तो यहाँ पर मैं लिखूँ सेल्स अकाउंट, मैं क्या करूँ, लिख दूँ, क्लियर है, आई होप आप समझ गए रहेंगे। अभी आप एक काम कीजिए, लिख दीजिए, और भी दो एंट्री बची है अपना जो 5th और 6th, ये रफ करके मैं लिख देता हूँ। एंट्री नंबर 5 क्या बोल रहे हैं, परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे खरीद रहे, मतलब क्या बोल रहे थे, उधारी पे खरीद रहे। अगर क्रेडिट नहीं बोला रहता तो भी हम अज्यूम क्या करते, क्रेडिट ही, देखो यहाँ पर सोल्ड गुड्स टू मनोज वर्थ ₹6000, कुछ बोला था क्रेडिट तो भी हमने अज्यूम क्या किया, क्रेडिट ही किया था। यहाँ पर देखो परचेज कर रहे, तो परचेज कहाँ रहता है, डेबिट साइड, तो परचेज मशीनरी इज एन एक्सपेंस, तो वेरी फर्स्ट में क्या लिखूँ यहाँ पर मैं, परचेज मशीनरी इज एन एक्सपेंस, क्लियर है, वो मेरे लिए क्या हुआ, एक्सपेंस हुआ, क्लियर है। अभी सेकंड, पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, क्रेडिट पे बेचा तो पैसा जाएगा नहीं जाएगा, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, देखो परचेज कर लिया, दे कौन रहा है, क्रेडिट द गीवर, सुरेश इज अ गीवर, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, सुरेश इज अ गीवर, क्लियर, इज अ गीवर, सुरेश क्या कर रहा है, दे रहा है, क्लियर है। तो यहाँ पर अकाउंट इन्वॉल्व, तो वेरी फर्स्ट अकाउंट कौन सा अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर मशीनरी अकाउंट लिखो या परचेज अकाउंट लिखो, काफ़ी सारे जन यहाँ पर परचेज लिखेंगे, बट नो डाउट यहाँ पर क्या आना है, मशीनरी, क्योंकि मशीनरी इंसान नाम है यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं मशीनरी अकाउंट लिखूँ, क्लियर है।
और सेकंड कौन सा अकाउंट आ जाएगा यहाँ पर, सुरेश अकाउंट। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, सुरेश अकाउंट मैं क्या करूँ, लिख दूँ। एक आ गया मशीनरी अकाउंट, दूसरा कौन सा आ गया, सुरेश अकाउंट आ गया। अभी कैटेगरी देखो, मशीनरी अपना क्या होता है, असेट्स। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट अकाउंट कौन सा आ जाएगा, असेट्स अकाउंट आ जाएगा, क्लियर है। यहाँ पर मैं लिखूँ असेट्स अकाउंट, और सेकंड सुरेश। देखो ये क्या हुआ, देखो अभी यहाँ पर कहता मनोज अपने लिए कहता असेट्स, क्यों, उसके पास से क्या करना है, हमें पैसा रिसीव करना है। सेम एज ए सुरेश को हमें पैसा क्या करना है, पे करना है। क्यों पे करना है, क्योंकि सुरेश ने हमें मशीनरी दिया, क्लियर है, मशीनरी दिया, पैसा पे करना बाकी है। तो अपने लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी। क्यों, यहाँ पर देखो सुरेश क्या था, अपने लिए डेटर था, ये क्या था, अपने लिए डेटर था, और ये अपने लिए क्या है, क्रेडिटर। क्यों, इसने क्या किया है, सेल किया, तो हमें इसको क्या करना है, देखो ना सुरेश ने क्या किया है, सेल किया, और हमें उसको पैसा पे करना है, तो ये अपने लिए क्या हुआ, लाइबिलिटी हुआ। तो सेकेंड यहाँ पर आ जाएगा लाइबिलिटी अकाउंट, अकाउंट, क्लियर है। अभी देखो यहाँ पर रूल अप्लाई, असेट्स क्या हो रहा है, ऑलवेज डेबिट साइड, तो इंक्रीजिंग असेट्स, तो लाइबिलिटी कहाँ रहता है, क्रेडिट में, तो इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हो रहा है। तो वेरी फर्स्ट यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज इन सन असेट्स, असेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और सेकेंड यहाँ पर क्या हो रहा है, इंक्रीज क्या हो रहा है, लाइबिलिटी भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज इन लाइबिलिटी, इंक्रीज असेट्स हो रहा है और इंक्रीज क्या हो रहा है, लाइबिलिटी हो रहा है। अभी देखो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, सुरेश। तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, मशीनरी अकाउंट, मशीनरी अकाउंट क्या लिखूँ डेबिट में, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, सुरेश का। तो यहाँ पर किसका नाम लिखूँ, सुरेश अकाउंट मैं क्या करूँ, लिख दूँ, क्लियर है। आई होप आप समझ गए रहोगे मैंने क्या कैसे किया। अभी देखो क्या बोल रहे हैं, रिसीव रेंट ₹2500। अरे अब रेंट रिसीव करोगे कि पैसा रिसीव करोगे, आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा। तो वेरी फर्स्ट इफेक्ट क्या रहेगा, कैश क्या रहेगा, कैश कम सीन पैसा आएगा। सेकंड रेंट अपने लिए क्या हुआ, इनकम, क्लियर है, क्योंकि रेंट इज़न क्या हुआ, इनकम। तो यहाँ पर क्या लिखूँ, रेंट इज़न इनकम। अभी देखो सेम एज रेंट पे करते तो अपने पास क्या रहता, रेंट इजन क्या रहता, अपने लिए एक्सपेंस रहता, और कैश क्या होता, गोज आउट, पर उल्टा हो रहा है, क्योंकि रेंट रिसीव कर रहे तो कैश कम्स इन और रेंट इजन क्या रहेगा, इनकम रहेगा। अभी यहाँ पर पहली फर्स्ट कौन सा अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आ गया, क्लियर है, यहाँ पर मैं कैश अकाउंट लिख दूँ, और सेकेंड यहाँ पर कौन सा अकाउंट आ गया, रेंट अकाउंट आ गया। कैश कौन से अकाउंट में आता है, असेट्स अकाउंट, तो यहाँ पर मैं लिखूँ असेट्स अकाउंट। सेम एज अ रेंट कौन से अकाउंट में आता है, रेंट अपने लिए क्या हो, इनकम, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, क्लियर है। तो असेट्स ऑलवेज डेबिट साइड और क्रेडिट में क्या रहता है, इनकम ही रहता है। तो यहाँ पर वेरी फर्स्ट क्या लिखो, इंक्रीज इन असेट्स, क्लियर, इंक्रीज क्या हो रहा है, इन असेट्स, असेट्स असेट्स क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और सेकेंड देखोगे इनकम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट साइड, तो इनकम का रहता है क्रेडिट, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंक्रीज इज एन इनकम, इनकम भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, क्लियर है मेरा। तो डेबिट में किसका नाम आ जाएगा, यहाँ पर वेरी फर्स्ट लिखे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कैश अकाउंट आ जाएगा, यहाँ पर कैश अकाउंट, और क्रेडिट में किसका नाम आ जाएगा, अपने लिए रेंट अकाउंट अपना आ जाएगा, क्लियर है। आई होप आप समझ गए होंगे, नो डाउट। इसके बाद जब हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 2 करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा एंट्री है, तो आप डेफिनेटली और अच्छे से समझ जाओगे।